विद्यार्थियों का इंतजार आखिरकार बुधवार को खत्म हो गया। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड में लड़कियों ने बाजी मारी है, तो वहीं इस साल बोर्ड परीक्षा का पास प्रतिशत 87.08 रहा तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 73.28% रहा। इस साल पहले स्थान पर काजल हैं, जो कि निडाना के सीएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हैं। काजल ने बोर्ड में 500 में से 498 अंक प्राप्त किए हैं। तो वहीं दूसरे स्थान पर रही नरवाना के एसडी गर्ल्स कॉलेज की छात्रा मुस्कान और पेहोवा के बाबा श्रवणनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा साक्षी ने 496 अंक हासिल किए हैं। तीसरे स्थान पर नारनौद के टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा श्रुति और खाम्बी के बाल विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा पूनम ने 495 अंक जुटाए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 245,685 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 213,949 उत्तीर्ण हुए हैं एवं 23,604 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। इस परीक्षा में 117,228 प्रविष्ट छात्राओं में से 106,102 पास हुई तथा 8,693 की कंपार्टमेंट आई। इनकी पास प्रतिशतता 90.51 रही, जबकि 128,457 छात्रों में से 107,847 पास हुए तथा 14,911 की कंपार्टमेंट आई। इनकी पास प्रतिशतता 83.96 रही। इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 6.55% ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज कर बढ़त हासिल की। बता दें कि BSEH कक्षा 12 हरियाणा बोर्ड थ्योरी परीक्षाएं 30 मार्च से 27 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित की गई थीं, जबकि प्रैक्टिकल 21 मार्च से 28 मार्च 2022 तक आयोजित किए गए थे। रिजल्ट की घोषणा के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। HBSE ने इस साल ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की थी। 10वीं बोर्ड परीक्षा में इस साल कुल 3,68,000 बच्चों ने नामांकन किया, जबकि 2,90,000 छात्रों ने कक्षा 12 की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। हरियाणा बोर्ड ने इस साल सिलेबस में 30% की कमी की है, जिसके लिए बोर्ड ने परीक्षा से पहले नए पाठ्यक्रम को जारी किया था। पिछले वर्ष 2021 में हरियाणा सरकार ने राज्य और देश भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। हालांकि इस साल बोर्ड परीक्षाएं सभी प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पेन और पेपर मोड में ऑफलाइन आयोजित की गईं। पिछले साल 2021 में 80.34% की तुलना में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 100% था। परीक्षा के लिए कुल 227,585 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 114,416 लड़के और 106,847 लड़कियां थीं। कोई भी उम्मीदवार अनुत्तीर्ण या कंपार्टमेंटल नहीं था। इस वर्ष अधिकतम 2 विषयों में फेल स्टूडेंट्स के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम आयोजित किया जाएगा। तो चलिए आपको बता दें कि परिणाम देखने के लिए वेबसाइट पर कैसे चेक करें। स्टेप 1, सबसे पहले हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं। स्टेप 2, होम पेज पर HBSE क्लास 12th रिजल्ट 2022 पर क्लिक करें। स्टेप 3, इसके बाद आवश्यक क्रेडेंशियल्स जैसे रोल नंबर आदि डालें और सबमिट पर क्लिक करें। स्टेप 4, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 5, भविष्य के लिए अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लें और एक प्रिंटआउट भी निकाल लें। अब आपको बता दें कि अपने मोबाइल पर SMS के जरिए PSEH 12वीं रिजल्ट 2022 प्राप्त करने के लिए रिजल्ट HB12 टाइप करें और इसे 5, 6, 2, 6, 3 पर भेज दें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।